मोहन, माँ क्या कह रही है? ये सब सच है? तुलसी तुम प्लीज प्लीज शांत हो जाओ ना तुलसी, तुम्हारी तबीयत ठीक है। बोलो ना, माँ जो कह रही है वो सब सच है? हाँ, हम जो कह रहे हैं वो सब सच है। क्योंकि सच जानने का तुम्हारा हक है और तुम्हें सच बताना हमारा फर्ज। माँ प्लीज, माँ ये सारी बातें करने का एक सही वक्त नहीं है, माँ समझिए ना प्लीज। मोहन, ऐसी बातों का कभी कोई सही वक्त नहीं होता। तुम ये बातें तुलसी को आज बताओ, कल बताओ, कभी भी बताओ, तुलसी को उतनी ही तकलीफ होगी, उतना ही दर्द होगा जितना आज होगा। तुलसी की तबीयत और राधा की हालत का क्या मोहन? इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद तुमने कभी ये सोचा कि राधा के दिल पर क्या बीत रही हो? तुलसी, तुम्हारे जाने के बाद राधा ने गुनगुन को संभाला, मोहन को संभाला, इस घर को संभाला, हमारे परिवार को संभाला। मोहन को मोहन से मिलाया, मोहन को मुस्कुराना सिखाया, हमारे मोहन को हम सब से मिलाया। और मोहन, तुलसी के आ जाने के बाद तुम राधा के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। कैसी नाइंसाफी कद्दू? ये क्या बोल रही है तू? चुप! आप हमसे बड़ी हैं, हमें अनादर करने पर मजबूर मत कीजिए दीदी। ये हमारे घर का मामला है और आप इस घर की सदस्य नहीं है। तुलसी, तुम्हारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि राधा गुनगुन की गवर्नेस नहीं है। उसकी माँ है, मोहन की पत्नी है। उसने गुनगुन को माँ का प्यार दिया, मोहन को पत्नी का साथ दिया। इसलिए मेहरबानी करते हम हाथ जोड़ते हैं, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। देखो तुलसी, ना राधा गलत है, ना मोहन गलत है, ना तुम गलत हो। सिर्फ हालात गलत है बस। नहीं, ये नौकरानी मोहन की बीवी नहीं हो सकती है। माँ, तुलसी, हम फिर से दोहरा रहे हैं,
राधा त्रिवेदी परिवार की बहू है और उसे उतना ही मान और सम्मान मिलना चाहिए, बस। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। गलत तो मैं हूँ। मुझे इस नौकरानी को अपने सौतन के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुसी, क्योंकि यही तो इस परिवार का रिवाज है। क्या? इसे बराबर का हक, दर्जा सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि यही तो होता रहा है हमारे परिवार में। है ना माँ? सही कहा ना मैंने माँ? दूसरी औरतें इस घर में बीवी बनकर इस घर का हिस्सा बन जाती है। आपने भी तो यही किया था ना? अभी तो मोहन की माँ की नर्स बनकर इस घर में आई थी। फिर उनकी सेवा करते करते आपने पापा को प्यार में फंसा लिया। और फिर शादी करके आप बन गए इस घर की बहू, कादंबरी देवी। नहीं मोहन, अगर ये मुझसे इस सौतन को एक्सेप्ट करने के लिए कह सकती है तो इन्हें भी तो उनकी सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। इसी भाभी आप क्या कह रही है? इनफ भाभी, इनफ। आप मम्मा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? देखिए, आपको मम्मा के साथ ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। हम आपकी साइड ले रहे तुलसी भाभी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। केतकी, चुप हो जाओ केतकी। मम्मा तो हमने कहा था। केतकी, घुटना झुकेगा तो पेट की तरफ ही ना। समझती हूँ ये तुम्हारी और राहुल की माँ है तो तुम दोनों को बुरा लगेगा, लेकिन एक बार सोच कर देखो, क्या अगर ये सब कुछ अजीत तुम्हारे साथ करता तो? क्या अगर वो किसी दूसरी औरत को लेकर आता तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर पाती? गलत बोल रही हूँ, सच ही तो कह रही हूँ। ये आई थी इस घर में मोहन के माँ की नर्स के तौर पर। तुलसी, मेरी बात सुनो। तुम गुस्से में हो तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी मर्यादा भूलकर अपना सारा गुस्सा मेरी मां पर उतारो। मर्यादा का मतलब ये तो नहीं होता है ना मोहन के इंसान सच बोलना ही भूल जाए। ये जो तुम्हारी माँ है, जो इस घर की मुखिया बनकर घूमती है, ये है तो इस घर में आई हुई दूसरी औरत ही ना।
जिंदगी में आई हुई दूसरी औरत तुम्हारी दूसरी माँ। और जो खुद दूसरी है वो तो दूसरी को ही सपोर्ट करेगी। फिर चाहे वो दामिनी हो या फिर हो वो राधा, हमारी तुलना दामिनी से तो बिल्कुल मत करना तुम। हम कोई दूसरी औरत नहीं है, हम मोहन जी की पत्नी है। ये क्या पत्नी 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 करती रहती हो तुम? ये पत्नी पत्नी कहने से कोई पत्नी नहीं बन जाता है। और चोर अगर किसी का बटवा चुरा लेता है तो वो उस बटवे का मालिक नहीं बन जाता। अपनी बदतमीजी ना बंद करो, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, वरना वरना क्या क्या करोगी तुम? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन आज मुझे मेरे इस परिवार से इस कादंबरी देवी का इंट्रोडक्शन करवाना है। बहुत बड़ी खिलाड़ी है ना आप इस खेल की। सबसे पहले आप अपनी भांजी को इस घर में लेकर आई, दामिनी को, क्योंकि आप चाहती थी कि मोहन की और दामिनी की शादी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोहन को मुझसे प्यार हुआ। मोहन ने मुझसे शादी की और वो मुझे घर लेकर आया। और इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और तब से मैं बन गई आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। नहीं तुलसी। हाँ, यही सच है। मुझे बताइए, दामिनी कौन से हक से हमारे घर में रहती थी? क्या अधिकार था उसका? माना कि वो त्रिवेदी पब्लिकेशन में काम करती थी, लेकिन वो और उसकी माँ दूसरा घर लेकर रह सकती थी ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो सालों तक त्रिवेदी भवन में ही रहती थी। क्यों? उसकी तो मोहन से शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आपने जानबूझकर दामिनी को इसी घर में रखा। और आप उससे प्यार करती थी, उसे सपोर्ट करती थी और मुझे चिढ़ाती रही, क्योंकि आप हमेशा से यही चाहती थी कि दामिनी और मोहन की शादी हो जाए। और मैं मोहन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊं, मेरी जगह वो दामिनी ले ले, मुझे और मोहन को अलग करना चाहती थी। आप क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं है, यही सच है। इसीलिए 8 सालों तक मैं अपने गुनगुन से और अपने मोहन से दूर रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मम्मा, आप दादी से ऐसे क्यों लड़ रही हो? ये सब आप क्यों बोल रही हो? आप सारे बड़े लोग क्यों इतना लड़ रहे हो? गुन, राधा, हम जाते हैं गुनगुन के पास। गुनगुन! राधा, अच्छा लगा ना तुम्हें? अच्छा लगा मेरी बेटी के सामने मेरा ऐसा तमाशा करते हुए? लेकिन अगर अब तमाशा हो चुका है तो उसे होने ही दो। हम तमाशा करवा रहे हैं। क्या तुम तमाशा करवाना चाहती हो? माँ हो ना तुम गुनगुन की, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि कौन सी बात गुनगुन के सामने करनी चाहिए और कौन सी नहीं? तुलसी, प्लीज शांत हो जा तुम। तुम क्यों माँ पर अपना गुस्सा निकाल रही हो? क्यों मन में ये सारी कहानियां बना रही हो? ऐसा कुछ नहीं है ना तुलसी। ऐसा ही है मोहन। तुम तो रहे मिट्टी के माधव। तुम्हें ना कभी किसी का कुछ बुरा दिखता है, ना कभी किसी का कुछ बुरा लगता है। तुमने तब मेरी बात नहीं मानी, ना तुम आज मेरी बात मान रहे हो। तभी भी तुम्हारी आंखों पे अपने माँ के प्यार की पट्टी थी और आज भी वही है।
झगड़े हुए थे ना मोहन, मैं घर छोड़कर निकल गई, हम दोनों अलग हो गए और फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे मारने के पीछे दामिनी के साथ आप भी तो शामिल नहीं थी। मां के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा। अब तक मैं चुप था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें मां से इस तरह बात करते हुए? तुम गुस्से में हो तो मेरी मां पर पेतु का इल्जाम लगाओगी तुम। कुछ नहीं किया है मेरी मां ने, पता है तुम्हें? अच्छा, तो एक दूसरी औरत को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आना गलत नहीं है। उस औरत को मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कहना गलत नहीं है। एक नौकरानी को तुम्हारी बीवी बनाना गलत नहीं है। वो नौकरानी नहीं है। मेरी बीवी है वो। शादी की है मैंने राधा से। उन फेरों की बात नहीं करो जो तुमने देखे। हमारी शादी बहुत पहले ही हो चुकी है। तुलसी प्लीज, देखो प्लीज तुलसी, संभालो अपने आप को। जब तुम हमारी लाइफ से चली गई थी ना, मैं तुमसे नफरत करने लगा था। मुझे लगा था कि तुमने सुसाइड कर लिया है, इसलिए नफरत करने लगा था तुमसे। और तुमसे नफरत करते करते पूरी दुनिया से नफरत करने लग गया मैं। गुनगुन से ही नहीं, मेरे पूरे परिवार से मेरा रिश्ता खराब था। राधा मेरी लाइफ में आई, आप ही ने तो समझाया था ना कि इसमें हर परेशानी का हल है। हमें पूरा यकीन है, इसी गीता से ही आपको गुनगुन और आपके बीच की दूरियों को मिटाने का रास्ता मिलेगा। उसी ने मुझे संभाला। मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। क्या करोगे?
मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था। गुनगुन उसने मुझे खुद से मिलाया, उसने मेरी जान बचाई, गुनगुन की जान बचाई, केतकी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, राहुल तक को संभाला उसने। पूरे परिवार को संभाला है राधा ने। नहीं करता था मैं राधा से प्यार, लेकिन धीरे धीरे प्यार हो गया ना हमें, और आज हम शादीशुदा हैं।